त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत् त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वम् वायु त्वम् सूर्य त्वम् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निज गायत्री छंदः
गणपतिर देवता ओम गं गणपतये नमः। वेगदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परं देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठी विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीना सीता ने रखी परम पद लीना पादु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारू बज्र की कीले गदा बज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाए के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हरे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रति
प्रतीति ही कपी धजय सदा धरे उर ध्यान देहि के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ॐ शत्रुमर्दिनी नमः ॐ श्री अम्बिका देवी नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः ॐ श्री रक्षाकरी नमः ॐ राक्षसघ्नी नमः ॐ श्री चामुंडा नमः ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः ॐ नरकान्तका नमः ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः ॐ श्री शिर्दिसाईनाथ नमः ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः ॐ श्री कार्तिकेय नमः ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः ॐ सर्वभयहारिणीरुद्ररूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Mano Bhujyam Khara Chitta Ninaham Nacha Shrotra Jeeve Nacha Ghana च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद शिवोहम शिवोहम न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा चोपस्तपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम नमे द्वे
सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदानयन अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवो what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams, that's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. Shri Mataji ki asim anukampa me. इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनको माँ निर्मला का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको सहज योग मिला, जिनको सहज योग वो छाया मिली जिसकी शीतलता में सब संताप हर लिए जाते हैं परमेश्वरी के द्वारा, हमारा सिर्फ एक कार्य है माँ से एकाकारिता स्थापित रखना, बाकी सभी कार्य
स्वयं ही घटित होते। सब कुछ सरेंडर कर देना, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दृष्टिकोण है। हमें सबको साक्षी भाव में देखना है, क्योंकि हम आत्मा है। साक्षी रूप में हमें जीवन की हर लीला देखनी, हम देख सकते हैं। हमारी आत्मा जागृत है तो ये संभव है। आप सभी संतों का जो सहज योगी है असली अर्थ में, यहां हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। एक सच्चा सहयोगी किस प्रकार से ईश्वर की कृपाओं का, देवी देवताओं के सहयोग को महसूस करता है, कृपाओं का आनंद लेता है बिना कुछ करे, सिर्फ एक ही कार्य करना है, ध्यान में जाना है। अपने चित्त को आत्मा में रखेंगे, बाएं हृदय के अंदर हर तरफ से हटा लेंगे। हर तरफ से हटा लेंगे। बाएं हृदय में पूरा चित्त और पुराना साल खत्म हो जाता है। सहयोगियों के लिए हर क्षण एक नया साल है, क्योंकि वो वर्तमान में रहता है, न तो वो भविष्य में रह रहा है और न ही वो बीते हुए भूतकाल में रहता है। हर क्षण उसके लिए एक नया साल है, एक नई उमंग है, एक नई लहर है। जैसे कि समुद्र पे तैरते हुए हर क्षण कोई समुद्र के प्यार से उछाला जाए, उसी प्रकार हरेक सहयोगी को आनंद प्रेम शांति का आह्लाद मिलते रहता है। बस बात यह है कि क्या हम तैरना सीख गए हैं या नहीं। सहयोग में जिसने तैरना सीख लिया वो आनंद में ही तैरता है, आनंद के सागर में तैरता है। सहयोग में अगर कोई दोष है या त्रुटि हो तो इतना ही है कि पार होने के बाद बनना पड़ता है, बगैर बने सहयोग हाथ नहीं लगता। माने आपको पानी में उतार दिया लेकिन तैराक भी बना करके भी आपको सीखना होगा कि आप दूसरों को कैसे तैरा सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, दूसरों को तैरना कैसे सिखा सकते हैं। आपको पूरी तरह से बनना पड़ेगा,
और यही अगर एक त्रुटि है तो सहयोग में है, लेकिन वो अनेक त्रुटियों को भरता है। जैसे पहले गुरु लोग आपकी शांति और आनंद की व्यवस्था नहीं करते थे, पहले तो वो आपसे मेहनत कराते थे, मेहनत सफाई कराते थे, मन की शांति से पहले मन की शुद्धता, शारीरिक सुख से पहले शरीर को काफी तकलीफ दो, बहुत तपस्या के बाद लोग परमात्मा को पा सकते थे और इस चैतन्य को जो आपने सहज में पाया है उसे जान सकते। लेकिन माँ की व्यवस्था और है, पहले चैतन्य को पालो, जान लो कि परमात्मा है, उस पर विश्वास करो, जो अंधविश्वास नहीं सत्य के पे, और अब थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे कि किसी को पहले सिखाया जाए कि देखो पानी से डरना नहीं, लेक्चर दिया जाए, पहले तुम अपने को जमीन पे ही तैर के देखो, वहीं पे हाथ मारो दो चार, और काफी उनसे मेहनत की जाए और फिर धीरे धीरे पानी में ला जाए, जैसे पानी देखा फिर भाग गए। और एक होता है कि पानी में ढकेल दो फिर सिखाते रहे, के सागर में ढकेल दिए। अब इसका मजा उठाना है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, और वो कष्ट ऐसा है कि आपको बनना होगा, बने बगैर नहीं होता। सहयोगी उसे कहना चाहिए जिसमें पूरा समाधान, जिसने पा लिया, जिसकी शुद्ध इच्छा पूरी हो, क्योंकि कुंडलिनी शुद्ध इच्छा शक्ति है। जिसकी शुद्ध इच्छा शक्ति पूरी हो गई, जिसने शुद्ध इच्छा शक्ति ने पूरी तरह से अपना चमत्कार दिखा दिया, फिर कोई इच्छा ही नहीं रह गई, जो आदमी पूरी तरह से समाधानी हो गया वो असल में सहयोगी। कोई सा भी असमाधान बचा है इसका मतलब है अभी तक कुंडलिनी का जागरण ठीक से नहीं हुआ, अभी तक आप पूरी तरह से सहयोगी बने। बड़ी आश्चर्य की बात के बगैर सहयोगी बने हुए भी आशीर्वाद आते ही रहते हैं, चमत्कार होते ही रहते हैं, लाभ होते ही रहते हैं। आप जानते थे कि हम चल रहे हैं, ठीक हो रहा है, मामला बन रहा है और हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सहयोगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि उसमें देने की क्षमता आ जाती है, वो देता है, और देता ही नहीं है, उस देने का जो आनंद है, जो कि बहुत ही अनूठा आनंद है, उसे वो उपभोगता है। वो आनंद आप किसी संसारिक चीजों से कभी पा ही नहीं सकते, और सारे जितनी ब्लेसिंग्स वैसी है इसे किसी से आप पा नहीं सकते। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी अपनी गुरु शक्ति बढ़ जाए और आप में क्षमता आ जाए कि आप दूसरों को दे सके। ये जिस दिन क्षमता आप में आ गई, बस फिर समझ लीजिए कि माँ का काम तो पूरा हो गया, बाप का काम शुरू। ऐसी जब तक दशा नहीं आती तब तक मेहनत करनी होगी और बनना, यही एक सहयोगी त्रुटि है जिसे एक माँ के रूप में मैं कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए, बहुत कुछ करती हूँ कि अपनी तरफ से ऐसा न रह जाए कि मेरी किसी पाप की वजह से मेरे बच्चों में कमी रह जाए। लेकिन आपकी भी तपस्या जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो। पर जो तपस्या का स्वरूप उग्र है या संतप्त है ऐसा नहीं, शांत तपस्या है, इसमें कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई मेहनत की तपस्या। तो पहली तो चीज सहयोगियों को प्रेम करना सीखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जैसे मैं किसी के लिए शिकायत सुनती हूँ कि ये सहयोगी, आप तो कहते सहयोग बढ़िया चीज है, अपनी माँ को चीट करते हैं, उनकी बीवी की बात चलती है, वो अपने बहन को पीटते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, कोई है अपने पति का ध्यान नहीं करते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। सहयोग में ये तो अनायास ही हो जाना चाहिए, अनायास सब घटित होता है। अगर ये नहीं हुआ तो सहयोग क्या बना। जब आप वृक्ष हो गए तो वृक्ष की छाया में जो बैठे हैं उस पर तो कोई सी भी आफत नहीं आ सकती ना, वृक्ष सारे आफत। आपकी छाया में जितने लोग हैं
उनसे आपके संबंध बहुत ही प्रेम और निकटतम होने चाहिए। जो कह रही हूँ सब आपको अलग अलग आप ही को कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ, ये समझ के सुनिएगा बात। बहुत से लोग हैं जैसे ही मैं कहती हूँ तो दूसरे का सोचते हैं कि माता जी उनके बारे तो नहीं कह रहे। तो अपनी ओर ये देना चाहिए कि माँ हम सबको अलग अलग प्यार करती है, हर एक के बारे में जानती है अलग अलग। उसी प्रकार हमको भी हर एक के बारे में अलग अलग जानना है। जब हम अपने घर वालों ही को नहीं प्यार कर पाएंगे तो हम बाहर वालों को नहीं कर सकते। घर वालों की जरूरतें मानते हैं, बहुत से लोग पार भी नहीं हो सकते, उनमें त्रुटियां होंगी, लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं उसे करें। पार की भी बात वो तभी माने जब आप में कोई अंतर देखे। अगर आप डंडा लेके कहें तुम पार क्यों नहीं होते और तुम सहयोग में क्यों नहीं आते, तो कोई नहीं सहयोग में, उल्टे ये तरीका सहयोग का नहीं है। सहयोग का तरीका है कि अपने पहले आदर्श से, अपने स्वयं व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित। जब दूसरा प्रभावित हो जाएगा तो धीरे धीरे उसे सहज में लाओ। कोई ठेल ठाल के आप ले भी आए, समझ लीजिए ढकेलते हो वहां से ले आए किसी को बिठा दिए, क्या वो पार हो जाएगा? आप ही बताओ। पूर्ण स्वतंत्रता में उसे आना होता है। आज देख कल ठीक हो जाए, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बन रहे हैं तो हमारे साथ अनेक बन रहे हैं, और वो जो अनेक है उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। हम कैसे बन रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और इसमें ये बात नहीं, समझ लीजिए आपके कोई गुरु हो, रियलाइज सोल भी हो, तो वो बेचारे अपनी ही मेहनत से जो कुछ करना है करते हैं। आपसे नहीं कहेंगे कि आप भी कुछ बने, कहेंगे ये तो बेकार है ही, चलो बस हमको गुरु मान लिया इसी में धरे समझो, अगले जन्म देखा जाएगा। लेकिन माँ ने जरा बड़ा काम निकाला है, वो चाहती कि हर एक को गुरु बनाना है, जरा कठिन काम, और नहीं भी है। आप जानते हैं कि आप लोग सब बन रहे हैं धीरे धीरे, सब घटते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं। इसलिए जिस वक्त आप बन रहे हैं आप दूसरों का ख्याल बहुत करें, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग सबको आप क्या माफ कर देते हैं, क्या आपने सबको क्षमा कर दिया? क्षमा करना बहुत सीखना है। बहुत बार कहा है कि क्षमा जो है ये सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा आयुध हमारे पास में, और इस कर बड़े आयुध को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास और कोई इस कलयुग में और साधन नहीं जुट पाए। क्षमा का साधन करके, क्षमा की दृष्टि से लोगों की ओर देखा, क्षमा से ही शांति आती, जिसमें क्षमा नहीं आएगी उससे शांति नहीं मिलती। पहले तो आप सबको क्षमा करें और फिर अपने को भी क्षमा करें। दोनों चीजें जब आप कर पाएंगे तभी आप देखेगा कि आपके अंदर स्वयं शांति आ रही, आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो शांति के द्वार खुल जाएगा। अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में प्रकाशित होने देंगे। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं सत्य चित और आनंद हूं, सच्चिदानंद हूं, मैं आत्मा हूं। मैं साक्षी भाव में हूं, मैं दृष्टा हूं। श्री माता जी मैं करता नहीं, दृष्टा हूं, मात्र दृष्टा। शिव हूं मैं, शिव हूं मैं,
शिवभूमि। अपने चित्त को धीरे 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 बाएं हृदय से निकालेंगे, जो पूर्ण रूप से प्रकाशित है साक्षी भाव में, निर्लिप्त साक्षी प्रकाशित चित्त। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे, पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 ब्रह्म नाड़ी पे पतला सा सूत्र रीढ़ की हड्डी के एकदम बीचों बीच, इसी पे स्थित है सारे चक्र। महसूस करेंगे चक्रों को ब्रह्म नाड़ी में। सर्वप्रथम चित्त मूलाधार चक्र पे वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वथा। हे प्रभु श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, कृपा कीजिए और जागृत हो जाइए मेरे हर चक्र में। हे प्रभु श्री गणेश, आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, आप ही परम चेतन है। आपकी बोधिता विवेक, श्री माता जी के प्रति समर्पण मुझे प्रदान कीजिए। माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। अनुमति दीजिए माँ कुंडलिनी अपना ये मार्ग, विष्णु मार्ग, निर्विघ्न रूप से पार करें, हम पार हो सके, ब्रह्म रंध्र का छेदन हो सके। मां निर्मला के श्री चरणों में आ सके, ऐसी कृपा कीजिए श्री गणेश जी। हम अपनी माँ को पहचान सके, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हितेश्वरी परमेश्वरी माँ निर्मला। चित्त को उठाएंगे धीरे धीरे मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे, महसूस करेंगे प्रभु मिलन की शुद्ध इच्छा। पूरा चित्त स्वाधिष्ठान चक्र नाभि पे
श्री विष्णु श्री लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी तत्व को महसूस करेंगे। सभी लक्ष्मियों की कृपा महसूस करेंगे नाभि चक्र में। मध्य हृदय माँ दुर्गा विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण महसूस करें उनकी अपार शक्तियों। चित्त को लाएंगे आज्ञा चक्र में सबको क्षमा स्वयं को भी क्षमा। माँ आप भी हमें क्षमा करें। चित्त को लाएंगे ब्रह्म रंध्र पे पूरे सहस्त्रार में फैलता हुआ परम चैतन्य महसूस करेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों एक हो जाएंगे परमेश्वरी के साथ। ये परम पावनी माँ कृपा की थी। मेरा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए। मैं अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। मेरा चित्त एकदम हल्का कर दीजिए माँ। चित्त को उठाते जाएंगे अर्थ बिंदु बिंदु वलय आकाश अंतरिक्ष परमास में सूर्य देवता की मध्यम गति पूर्ण दर्शन सूर्य के माँ आदिशक्ति ये सूर्य है महसूस करेंगे। नमन करेंगे सूर्य देवता
बहुत सुंदर अवस्था। विश्व को जीवन देने वाले सूर्य भगवान, नमन करेंगे, चित्त को और ऊपर उठाते जाएंगे, सूर्य देवता के चारों ओर परिक्रमा करके अंतरिक्ष की ओर आखिरी सिरे की ओर चलेंगे। और पार करेंगे अंतरिक्ष को, शून्य सरोवर में आएंगे, न जल न थल न वायु न अग्नि न आकाश, सब शून्य है, सब शून्य। श्री सदाशिव विराजे, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परमपिता, मेरे द्वारा हुए किसी भी अपराध, मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से कोई भी अपराध हुआ, तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमपिता, मुझे अपने हृदय में समा ले, मैं एक शुद्ध आत्मा, मुझे अपने हृदय में समा ले, समा जाएंगे, समा जाएंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को बाहर निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। आज के इस योग के लिए, इस अवस्था के लिए, धीरे 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 नीचे आने का प्रयास करेंगे, अंतरिक्ष, सौर मंडल, नवग्रह, आकाश, और आकाश से पूरे विश्व में परम चैतन्य की वर्षा करेंगे, सबको तृप्त होने देंगे, परम चैतन्य की वर्षा पृथ्वी में,
जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, धीरे धीरे पुनः अपने चित्त को, अपने चारों ओर लाएंगे, परम चैतन्य को बरसने देंगे हमारे ऊपर पूरी तरह, भीग जाएंगे परम चैतन्य में, भीग जाएंगे। सहस्त्रार पे चित्त लाएंगे, सहस्त्रार से पूरे परिवार पे परम चैतन्य बरसाएंगे। बरसने देंगे परम चैतन्य अपने तन मन में, परिवार में, घर में, शुद्ध करेंगे वातावरण, शुद्ध करेंगे वातावरण, शुद्ध करेंगे वातावरण चारों। चित्त को पुनः सहस्त्रार पिलाएंगे श्री माता जी के श्री चरणों में, अपने तन मन धन जीवन सब समर्पित करेंगे। हे माँ, मैं तो अज्ञानी हूं, आप ही करता है माँ, मैं कुछ नहीं करती। सब आप करते हैं माँ, सब आप करते हैं। सब आप करती हैं श्री माता जी। परमेश्वरी, मेरे कर्ता भाव के लिए मुझे क्षमा कर, आप ही कर्ता, आप ही भोगता, आप ही कर्ता, आप ही कर्विता है माँ। सब सरेंडर करेंगे, धीरे धीरे अपने चित्त को अपने बाएं हृदय में उतार लेंगे, आत्मा के साथ चित्त को रख देंगे। आत्मा
आत्मा को शांत 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 करेंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ शरीर नहीं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपके ध्यान। जय श्री माता जी। याद जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी भाई जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।